फ्रेंड्स, मॉर्निंग में खाली पेट सौंफ का पानी पीने के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लाइक ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और यहाँ पे ये स्प्राउट्स बन चुके हैं जो कल मैंने रखे थे बनने के लिए। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ वर्कआउट करने के लिए। और फ्रेंड्स, वर्कआउट करने से पहले हमेशा हमें अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर लेना चाहिए, ताकि जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं तो कई बार हमारी मसल्स पुल हो जाती है या बॉडी पेन होता है, तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें पहले अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपनी आगे की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं वर्कआउट कर रही हूँ। और तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम 32 बार फॉर्मूला कर रहे हैं और हम अपनी वेट रिड्यूसिंग जर्नी में हैं, तो उसके लिए हमें 32 बार फॉर्मूला के साथ साथ हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैंने एक महीने के अंदर अपना 5 kg वेट कम किया है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी, आप लोग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना शावर लेके आ गई हूँ और मैं फेस पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, तो ना वो होममेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, तो वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया और उसमें 1-2 ड्रॉप आलमंड ऑयल के डाले, तो वो उसको मैंने अच्छे से मिक्स करके वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो आज मुझे वो क्रीम भी बनानी है मेरी अपनी, जो मैं खुद बनाती हूँ। और ये रात को कैश्यूज़ और आलमंड्स मैंने भिगोए थे, ये भी अभी छीलूँगी। और ये मेरा सौंफ वाला पानी मैं वर्कआउट के बाद अब पी रही हूँ, मैंने फिर से गर्म किया, अब ये मैं पी लूँगी बैठ के। मैं अभी पी लेती हूँ आराम से बैठ के, और ये मैं पी रही हूँ आज शावर लेने के बाद। और ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रही हूँ, हस्बैंड ने अभी निकलना है ऑफिस के लिए, तो मैं फटाफट आज पोहा बना रही हूँ वेज डाल के, मिक्स वेज। तो ब्रेकफास्ट के लिए पोहा रेडी हो गया है मेरा, तो मैं अभी सबको सर्व करती हूँ। और ये मैंने ग्रेप्स भिगो के रखे हैं गर्म पानी में थोड़ा, तो ना मेरे को बहुत पसंद है, मैं इसके पोहा में या तो ग्रेप्स या अनार बहुत पसंद है मुझे, तो ये ग्रेप्स के छोटे छोटे पीसेस काट के लूँगी मैं अपने पोहे के ऊपर। और ये भी लूँगी, मैंने पिल ऑफ कर दिए बादाम, तो मॉर्निंग में तो मैं खा नहीं पाई थी, मॉर्निंग में मैंने ये खा ली मेथी, इतनी बची है, ये कल खाऊंगी, हाफ से ज़्यादा मैं खा चुकी हूँ तो ये कल खाऊंगी। और अभी ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा ये लूँगी और पोहा लूँगी, ये अदरक का ब्रेकफास्ट मैं इनके लिए देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ये अपने ये मॉर्निंग में नहीं खाए थे मैंने, क्या क्या खाएंगे ना मॉर्निंग में, खाली पेट क्या क्या खाए। और ऊपर से फिर मैंने ग्रेप्स भी अच्छे से स्प्रेड कर दिए, ग्रेप्स के साथ बहुत टेस्टी लग, मैंने लेमन नहीं डाला था और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं ना बुटीक जाके आती हूँ, मेरे पास ये 2 सूट पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ स्टिच करवा लेती हूँ। ये एक तो जो एडी ने लेके आया था मेरे लिए, अभी विंटर्स भी चले गए और मैंने स्टिच नहीं करवाया, बट सोच रही हूँ करवा लेती हूँ ये वाला। और एक ना ये अभी मैं गांव गई थी, हिमाचल गई थी, तो मेरे भैया भाभी लाए थे ये मेरे लिए सूट, तो फिर मैं बार बार बुटीक जाना मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं सोच रही हूँ अभी ये वाला जा रही हूँ मैं स्टिच करवाने के लिए, तो मतलब दोनों ही छोड़ाती हूँ, तो ये सूट भी छोड़ाती हूँ, इसका दुपट्टा बहुत प्यार है। तो चलिए मैं भी होके आती हूँ वहाँ और जाके लंच का देखती हूँ। और गाइस, मेरे को ना कान में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है, बहुत पेन है मुझे 2-3 दिन से, तो कल डॉक्टर को दिखा के आए थे ना, तो इसमें डॉक्टर ने कॉटन लगाई हुई है अंदर और दवाई डाली हुई है, तो डॉक्टर कह रहा था कि इन्फेक्शन पस पड़ गई है, क्योंकि मैं शायद पानी वगैरह चला गया है ना अंदर, तो पस पड़ गई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब अनबियरेबल पेन था। तो अभी मैंने कॉटन लगा रखी है, तो जो मैं बोल रही हूँ ना वो थोड़ी सी आवाज़ वैसे हो रही है, मतलब मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, एक ही कान से हो रही है ना, तो इसलिए मैं कम बात कर रही हूँ, जो मैं खुद भी बोल रही हूँ वो भी मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ से कान बंद हो तो आप समझ सकते हो ना, अजीब सा फील होता है, वही हो रहा है। तो ये सूट भी छोड़ के आती हूँ। और पर अभी सपना आ गया है काम करने के लिए, तो पहले सोचे काम करवा लेती हूँ और ग्रीन टी भी बनाती हूँ अपने लिए। चलिए पहले ग्रीन टी रेडी कर लूँ, ग्रीन टी रेडी,
इसलिए रखा है क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें लेमन और नमक डाला है, बाकी बिना सोल्ट के है, बिना लेमन के है, क्योंकि मुझे मूली में लेमन पसंद नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है लेमन। तो ये अदवी का देती हूँ लंच। तो फ्रेंड्स, मेरा लंच रेडी हो गया और लंच में मैंने लिया है ये एक रागी की चपाती लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है ना। और ये कढ़ी मैंने कल बनाई थी जो कि मैं आज खाऊँगी अभी, क्योंकि वहाँ चली गई थी ना तो मेरे से कुछ बना नहीं, लेट हो गई थी और काफ़ी थक भी गई हूँ। तो कढ़ी और ये रागी की चपाती, और मैंने खूब सारा सैलेड लिया है तो मैं पहले ये सैलेड ख़त्म करूँगी उसके बाद चपाती खाऊँगी। और चलिए तो मैं खा लेती हूँ पहले। और अद्विक ने ब्रेड खाई है, उसके लिए पनीर की स्टफिंग कर दी थी ब्रेड के अंदर मैंने, और कुछ ब्रेड उसने बटर लगा के खाई है खुद। तो ये मैं आराम आराम से पहले सैलड से अपना पेट भर लूँगी और फिर ये चपाती खाऊंगी। और कैरेट में ना लेमन और सॉल्ट बहुत टेस्टी लगता है, इतना रेडिश में नहीं लगता, रेडिश का फ्लेवर ना थोड़ा सा बिटर सा हो जाता है जैसे लेमन ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, लंच कर लिया है मैंने और पोलर ने भी, अद्विक ने भी, हमारा लंच हो गया। और अब देखो यहाँ पे इतने सारे कपड़े पड़े, तो ये फोल्ड करूँगी जैसे कि खाना खाने के बाद एकदम लेटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा अपना मतलब छोटे मोटे काम कर लेने चाहिए, एकदम ऐसे नहीं कि रेस्ट करने चले गए, ताकि जो खाना खाया है ना वो हमारा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया मैंने, सो गई थी और अभी उठी हूँ। अब मैं चाय बना रही हूँ और विनोद भी आ गए हैं तो इनके लिए भी चाय बना रही हूँ। और चाय में थोड़ा सा मतलब चाय पीने की मुझे आदत है, मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में चाय पी लेती हूँ, तो मैं चीनी की जगह ना शक्कर यूज़ करती हूँ। तो ये शक्कर डालूँगी, ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी इवनिंग टाइम हो रहा है, अब मुझे करनी है डिनर की तैयारी। तो डिनर के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल। डिनर में दाल बनेगी और लाइट होती है दाल ना तो अच्छी रहती है डिनर के लिए, मूंग दाल स्पेशली हल्की होती है। और बनाऊंगी दलिया दूध वाला क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया मेरे को मीठा दलिया नहीं मैंने बनाया, तो दलिया बनाऊंगी और आटा भी लगाने को है, आटा भी लगाऊंगी। तो ये सारे काम कर लेती हूँ मैं अभी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी डिनर की थाली है और मैंने ना मेरे दिन में एक चपाती रागी की बच गई थी तो मैं सिर्फ ये लूँगी अभी रात को, लेकिन मैंने दलिया ले लिया है, कभी कभी खा लेना चाहिए, मैं बहुत टाइम के बाद बनाती हूँ। और ये दाल की कटोरी है। तो चलिए अब अपना डिनर इंजॉय करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, डिनर के बाद मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ जो कि डॉक्टर ने मेरे को प्रिस्क्राइब की थी ईयर इन्फेक्शन के लिए। और अब मैं अपनी क्रीम बना रही हूँ जो कि विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया है, आलमंड ऑयल लिया है, ग्लिसरीन लिया है और विटामिन ई कैप्सूल लिया है मैंने दो। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और
ये रात के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब नाइट केयर रूटीन के लिए, जो फेस केयर रूटीन है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ फेस पैक, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम वेट रिड्यूस करते हैं ना तो हमारा जो स्किन है वो थोड़ा सा ढीली पड़ जाती है, तो उसके लिए मैं ये फेस पैक बना रही हूँ। हमें मतलब टाइम टू टाइम फेस पैक वगैरह यूज़ करते रहना चाहिए। तो मैंने ये मसूर दाल का पाउडर लिया है, खुद से मैंने रेडी किया था, जैसे कि दाल को थोड़ा सा मैंने तवे में रोस्ट कर लिया था और फिर उसको ग्राइंड किया था। रोस्ट करने से उसका जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाता है, तो वो ख़राब नहीं होती। और फिर मैंने उस पर टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी, एक टमाटर की, और थोड़ा सा मैंने शहद डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इससे फेस में मसा या रब कर लूँगी, और उसके बाद उसको अच्छे से लगा लूँगी अपने फेस पे, और उसको 10-15 मिनट के लिए लगा रहने दूँगी फेस पे, और उसके बाद में फेस को वॉश करूँगी। तो फ्रेंड्स जो टमाटर है ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी स्किन में ग्लो लाता है। आप कभी यूज़ करके देखिए टमाटर, या हनी, हनी भी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। और जो मसूर दाल है ना, उसका मसूर दाल भी ना फेस को थोड़ी सी ब्राइट सा वो देती है स्किन को, और जो दाग धब्बे हमारी स्किन में होते हैं, ब्लेमिशेस होती हैं, उनको कम करने में भी बहुत हेल्प करती है। तो हमें कुछ ना कुछ फेस पे लगाते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखिए फेस वाइप कर लिया, और आप खुद देखेंगे फ़र्क। तो फ्रेंड्स फेस पैक अप्लाई करने के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हो डिफरेंस कितना, फेस एकदम क्लीन भी हो जाता है और स्किन भी थोड़ा सा टाइट हो जाती है। तो अब मैं इस पे अप्लाई करूँगी, मैंने अभी अभी ये नाइट क्रीम बनाई है, ये वाली, इसमें मैंने फिल कर दी, देखो अभी बनाई, तो मैं ये यूज़ करूँगी और अच्छे से इससे मसाज कर लूँगी, और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। और मैं अभी हेयर जंपी भी करूँगी, क्योंकि कल फ्राइडे है तो हेयर वॉश कर लूँगी फिर मैं, तो अभी हेयर ऑयल लगाऊँगी सिर पे, उसके बाद मैं सोऊँगी। तो बस यही था फ्रेंड्स आज का मेरा व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन फ्रेंड्स बाय बाय। Take care, everyone. Bye-bye.